खबर जमाने गाजीपुर से है, जहां अभाईपुर चौकी पुलिस ने ढेवड़ी कर्मनाशा पुल से चोरी का एक ट्रैक्टर तमंचा व दो कारतूस से एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। अभाईपुर चौकी प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि बुधवार की देर रात करीब 3 बजे अपने हमराही जितेंद्र सिंह व नरसिंह यादव के साथ क्षेत्र में गश्त कर रहे थे, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी की घटना में वांछित एक अभियुक्त ढेवड़ी कर्मनाशा पुल के रास्ते चोरी की ट्रैक्टर को बेचने के लिए बिहार में जाने वाला है, जिसे गंभीरता से लेते हुए प्रहलादपुर निवासी पीड़ित राम अवतार सिंह को साथ में लेकर ढेवड़ी पुलिया के पास छिप कर अभियुक्त का इंतजार करने लगे। कुछ घंटे बाद गुरुवार की सुबह करीब 6 बजे एक व्यक्ति ट्रैक्टर लेकर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर ट्रैक्टर मालिक ने ट्रैक्टर चालक व अपनी चोरी हुई आयसर ट्रैक्टर को पहचान लिया, जिसके आधार पर ट्रैक्टर लेकर आ रहे अभियुक्त को पकड़ लिया और उसकी तलाशी ली गई, तो उसके पास एक अवैध तमंचा व 2 जिंदा कारतूस 12 बोर बरामद हुआ। पूछताछ में पकड़े गए अभियुक्त ने अपना नाम उमेश सिंह पुत्र रामराज सिंह निवासी प्रहलादपुर जमानिया बताया। अभाईपुर चौकी प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि तमंचा कारतूस व चोरी की ट्रैक्टर के साथ पकड़े गए अभियुक्त उमेश सिंह को न्यायालय में पेश करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया है।